का धन था। शिवालय में पहुंच गया, कोई हर हर महादेव कहता तो इसको गुस्सा आ जाता, कोई भगवान शिव का नाम लेता तो इसको क्रोध आ जाता। कई कई लोग ऐसे भी हैं संसार सागर में जिनसे जय श्री राम कर लो तो भी उनको ऐसा लगता है कि ये दूसरी पार्टी के हैं। महाराज आजकल तो बड़ा विडंबना है, अगर आपसे राम राम कर लिया ना किसी से तो उनको लगेगा ये पार्टी विशेष के हैं। ना, भगवान राम ना तो किसी पार्टी के हैं। भगवान राम तो जब हम पैदा हुए, हमारी श्वास सनातन धर्म का एक एक व्यक्ति जो मृत्यु लोक में जन्म लेता है उसकी श्वास में जितनी जितनी शरीर में श्वासें प्रतिदिन निकल रही होती है उस श्वास में राम पहले से ही समाहित होता है, इसलिए जीव हमेशा जय जय श्री राम कहता रहता। उसमें हमें यह नहीं सोचना कि कोई पार्टी विशेष का नाम है, ना भगवान का नाम लेने में हमें पीछे नहीं हटना। देवराज जैसे ही शंकर जी का नाम निकलता देवराज को क्रोध आता, अपने आप को थोड़ा क्रोध में अपने आप को मारने का प्रयास करता, चोरी का धन लिया उठाया और चोरी का धन लेकर बाहर चले गया कि अब मुझे यहां आवाज नहीं आई, अब मुझे यहां आवाज नहीं आई, और चोरी का धन लेकर बाहर गया। फिर आवाज उसके कानों में पड़ने लगी, हर हर महा। जैसे ही वापिस आवाज आई, फिर वापिस जैसी आवाज आई, आवाज आते से देवराज अब मंदिर के प्रांगण से भी बाहर चले गए बहुत दूर, जहां तक आवाज ना पहुंचे, कोई आवाज आए ही ना। शिव महापुराण की कथा एक बहुत सुंदर बात कहती है महाराज कि जीवन में अगर मौका मिल जाए और तुम्हें कोई सूचना मिल जाए कि शिव महापुराण की कथा हो रही है या भगवान शंकर का अभिषेक हो रहा है या भगवान शंकर का नजदीक में मंदिर बन रहा है या भगवान शंकर का कोई शिवलिंग है जो यहाँ विराजमान है, अगर आपको सूचना मिले तो हम तो कहते हैं प्रयास करना, प्रथम प्रयास करना कि अगर नजदीक में शिव महापुराण की कथा हो रही हो तो सबसे पहला प्रयास करना अपने घर वालों को धन्यवाद देकर कथा के पंडाल में जाकर एक मिनट की कथा सुनना, पर कथा के पंडाल में पहुंचना जाइए। अब कोई कहे कि महाराज जी कथा में बैठने से क्या मिल जाएगा, क्या धन मिलेगा, सत्ता मिलेगी, समय मिलेगा, या कोई हमारे को बहुत प्रमोशन मिल जाएगा या हमारे को बहुत सारा धन वैभव मिल जाएगा। शिव महापुराण की कथा कहती है तुम्हारा ना तो हम प्रमोशन की बात करेंगे, ना हम ये कहेंगे कि तुम्हें करोड़ों का धन मिलेगा, ना हम कहेंगे कि तुम्हारे को कुछ मिलेगा, पर इतना जरूर है अंतिम समय जब प्राण छूट रहे हो, कोई ऐसी घटना घट गई हो और प्राण छूट रहे हो और अंतिम समय में जब आईसीयू में पड़े होगे या वेंटिलेटर पर पड़े होगे, जैसे उस बेटी ने पत्र में लिखा कि मेरा तो सब कुछ चले गया था और सब समाप्त हो गया था, पर मेरा विश्वास शिव ने जीवित रखा, शंकर ने जीवित रखा, मान लो कोई साथ नहीं है, धन वैभव सत्ता सब अपनी जगह पर, अकेले आईसीयू में पड़े हुए हो, वेंटिलेटर पर पड़े हो, तब तुमको जब अकेले पड़े हुए हो और अंतिम सांसें चल रही हो और तुमसे कोई केले गुलाब जामुन खा, अरे बोलो तो प्रयास करवा लीजिए, जियो गुलाब जामुन अच्छी लगेगी, जम के बोलो जरा, इधर वाले भी लगेगी अच्छी। अब तुमसे कोई कह ले पालक पनीर की सब्जी खा लो, अब मर रहे हो प्राण छूट रहे हैं, अच्छी लगेगी नहीं। कोई तुमसे कहे देखो तुम्हारी मौसी जी ने व्हाट्सएप पे मैसेज भेजा है, कितना अच्छा मैसेज है, पढ़ तो लो, अच्छा लगेगा। कोई तुमसे कह दे मैं सामने टीवी चला देती हूं, कोई नाटक कोई सीरियल देख लो, मर रहे हो प्राण छूट रहे अंतिम क्षण, वेंटिलेटर पर पड़े आईसीयू में पड़े हो, आखिरी श्वास चल रही है। और कोई तुमसे कहे मैं टीवी चला देती हूं, लो नाटक देख लो, सीरियल देख लो, अच्छा लगेगा,
नहीं, उस समय पर ना लड्डू ना पेड़ा ना गुलाब जामुन ना इमरती ना भजिया ना पकोड़ा ना दही वड़ा कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। और लोग भगवान से प्रार्थना करेंगे तो केवल एक प्रार्थना करेंगे, भगवान ऐसी कृपा कर दो इनकी थोड़ी सी उम्र बढ़ा दो। करेंगे कि नहीं करेंगे? केवल उम्र बढ़ा दो। अब भगवान क्या कहेंगे? तुमने अगर मेरी कथा को समय दिया होता, 3 घंटा मेरी कथा को दिया है और 2 दिन का मिला लो तो कितने घंटे हो गए? अब ये 6 घंटे तो हमारी भाषा में देखा जाए तो आधा घंटा तो आशीष ले जाए, बचा कितना? नहीं, दोनों का मिला के 2 दिन का 5 घंटा। अब 5 घंटे में से हम कह रहे हैं ये 5 घंटा है, पर इसके अलावा का समय निकालिए। 1 बजे कथा चालू हो रही है, आप यहां पंडाल में कितने बजे आ गए? रात भर से है? पूरी रात से? गजब हैरी, पक्का है? तो कुछ खाया भी है कि नहीं? बोलबम का नारा है और बाबा है। धन्य हो जी, दंडवत प्रणाम हमारी ओर से आप सबको, बहुत बहुत प्रणाम। रात भर के बैठे हो, धन्य। अब सोचिए जरा, कथा कितने देर की है? 2.5 घंटे की, और बैठे पूरी रात से हो। अब जरा विचार करना, तुमने जो समय गंगा जी के घाट पर, त्रिवेणी के घाट पर महादेव को दिया है, काल बनाने वाला कौन है? महाकाल। समय बनाने वाला कौन है? महाकाल। सूर्य की गणना करने वाला कौन है? महाकाल। नक्षत्र बनाने वाला कौन है? महाकाल। तिथि बनाने वाला कौन है? महाकाल। जब काल की गणना करने वाला खुद काल अधिपति महाकाल राजा है, तो तुम रात भर से अगर बाबा की प्रतीक्षा कर रहे हो, कथा सुन रहे हो, 2 दिन तुम बाबा के लिए निकाल कर आए हो, तो तुम्हारा समय तुमने जितना बाबा को दिया है, तुम्हें जब अंतिम समय में इस समय की जरूरत पड़ेगी, तब मेरा काल अधिपति वो समय निकाल कर तुम्हारे पास खड़ा है, तब खड़ा। बोल बम का नारा है और अंत समय अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीला। अंत समय और वचन दिया तो